Students, welcome to biology class. So, bacha, this is your preparatory assignment number one. You have to learn this chapter for your unit test for your second term examination. Which is the largest unit of classification? Largest unit of classification kya hai? Kingdom. Which is the smallest unit of classification? Species. Which kingdom is also known as the decomposer in biosphere? कौन से kingdom को decomposer बोला जाता है? Protista को decompose करते हैं क्योंकि ये dead remains को. Name any two bacteria that are useful in our daily life. Daily life में दो bacteria ऐसे जो useful हैं. Escherichia coli और lactobacillus. How does amoeba reproduce? किस process से amoeba reproduce होता है? Bind deficiency. Name two common bread mold, rhizopus and mucor. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने सजेस्ट किया था? आर एच विटेकर ने. क्लासिफिकेशन क्या होता है? काइंड ऑफ डिवीजन दैट अनेबल अस टू ईजली एंड सिस्टमेटिकली स्टडी द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्लासिफिकेशन क्या है? काइंड ऑफ डिवीजन जो जहाँ पर हम ईजली स्टडी सिस्टमेटिकली वे से लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकते हैं. स्पीशीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्फ. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं और आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उसको बोलते हैं स्पीशीज. हु आर पैरासाइट्स? ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रहते हैं और न्यूट्रिशन वहाँ से लेते हैं. नेम दी ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन इन बैक्टीरिया एंड फंगाई. ऐसे ऑर्गन्स जो लोकोमोशन करते हैं बैक्टीरिया फंगाई में. द वीप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैगेला हेल्प द बैक्टीरिया लोकोमोशन. कौन से ऑर्गन लोकोमोशन में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया और फंगाई में? जो वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लैगेला वो क्या करते हैं बैक्टीरिया को हेल्प करता है लोकोमोशन में. फैगोसाइटोसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा. अमीबा के से अमीबा जहाँ से फूड को ऑब्टेन करते हैं उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस. सो डिस्क्राइब द प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट की हेल्प से वी फॉलो अ प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम प्लान करते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स. उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग हमने उसको डिवाइड कर दिया है. देखो कैसे किंगडम, उसके नीचे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. ठीक है. द वन दैट टॉप लेवल शो द लीस्ट सिमिलैरिटीज कैरेक्टर्स. हाउएवर एज वी प्रोग्रेस डाउन द लोअर लेवल द ऑर्गेनिज्म शेयर कॉमन फीचर्स. मतलब टॉप लेवल में वो कम कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं मतलब सिमिलर, उसके बाद नीचे जाते जाते शेयर मोर कॉमन फीचर्स. ये क्या है? एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है. स्पीशीज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं और रिप्रोड्यूस होते हैं आपस में. टैक्सोनॉमी ब्रांच ऐसी बायोलॉजी की जो कि डील करते हैं विथ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी. How does amoeba respire? Amoeba कैसे respire करता है? In amoeba, respiration take place through the cell membrane, also called plasma membrane. Amoeba respire करता है किसके through? Cell membrane की, जिसको हम plasma membrane भी बोलते हैं. Oxygen gas dissolve in the surrounding water enter into the amoeba by diffusion. Amoeba जो होता है वो respiration करता है cell membrane के through, जिसको हम plasma membrane भी बोलते हैं. जो ऑक्सीजन वो क्या करता है? ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन दी सराउंडिंग वाटर में जो ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होता है वो अमीबा के एंटर जाता है. कौन से प्रोसेस से? डिफ्यूजन के प्रोसेस से. टू यूजेस एंड हार्म्स ऑफ फंगाई. यूजेस ऑफ फंगाई क्या है? फंगाई का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रिपरेशन ऑफ एसिड ग्लाइकोनिक एंड सेट्रिक एसिड. एसिड ग्लाइकोनिक और सेट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फंगाई आर वेरी यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ सम मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक और मेडिसिन की प्रिपरेशन के लिए यूज होते हैं कुछ कुछ फंगाई. हार्मफुल फंगाई के माउल्ड ग्रोन ब्रेड के ऊपर कुछ माउल्स लग जाते हैं
ठीक है, जो कि ब्रेड को ख़राब कर देते हैं, फूड को ख़राब कर देते हैं, तो वो हार्मफुल फंगाई हो गया। वेरियस फंगाई, बहुत सारी ऐसी फंगाई जो डिजीज़ क्रिएट करते हैं, जैसे फ्रूट रोट ऑफ एप्पल, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इन प्लांट्स, दिस आर दी हार्मफुल फंगाई। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैंगडम प्लांटी एंड एनिमिलिया, क्या डिफरेंट है? ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं जो फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, हेटरोट्रॉफ्स जो डिपेंड होते हैं। इनके पास सेल वॉल होते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं होते हैं, ये फूड को स्टोर करते हैं। ये स्टोर फूड इज ग्लाइकोजन। दे डू नॉट शो लोकोमोशन, लोकोमोशन शो नहीं करते हैं, ये लोकोमोशन शो करते हैं। नाउ दिस इज अ डिफरेंट शेप फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के क्या क्या डिफरेंट शेप होते हैं? क्यूकस, बैक्यूलस, वाइब्रम एंड स्पीरियलम, दिस इज द डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये तो फाइव किंगडम क्लासिक, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। किंगडम मोनेरा क्या है? ये यूनिसेलुलर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, लैक सेल वॉल नहीं होता है इनमें, लैक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता भी है नहीं भी होते हैं। अदर सेल कंपोनेंट्स हैव सेल वॉल, ऑटोट्रॉफ्स, ये ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स दोनों हो सकते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स में। किंगडम फंगाई में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वेल डिफाइंड सेल वॉल होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स ऑकर इन वैम्प एंड मोइस्ट प्लेसेस में होता है। किंगडम प्लांटी ये मल्टीसेलुलर्स होते हैं, हैव अ वेल डिफाइंड सेल वॉल, मोस्टली ऑटोट्रॉफ्स, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं मोस्टली। किंगडम एनिमिलिया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेल वॉल नहीं होता है, ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। राइट, शॉर्ट नोट ऑन यूजेज ऑफ हार्म फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या क्या हार्म फाउंड होते हैं, यूजेज और हार्म, वो हमने देखने। बैक्टीरिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैक्टीरिया को हम हार्मफुल और यूजफुल में कैटेगराइज किया हुआ है। हार्मफुल बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया विच आर हार्म एज टर्म, जो बैक्टीरिया हार्म करते हैं उसको हम पैथोजेंस बोलते हैं। ये दूसरी बॉडी, होस्ट की बॉडी में रहते हैं और डिजीज कॉज करते हैं वहाँ पर, बाय प्रोड्यूसिंग वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करके हमारी बॉडी में, तो वहाँ से डिजीज को कॉज करते हैं, डिजीज करते हैं। यूजफुल बैक्टीरिया क्या होते हैं, जैसे लैक्टोबैक्टीरियस, बैक्लियस, पेनीबैक्यूलस एसेक्ट्रा, ये इंपॉर्टेंट रोल होता है फर्मेंटेशन, पिकलिंग, प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक की प्रिपरेशन के लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन ऑफ बायोफूल, ये सब क्या है, ये यूजफुल बैक्टीरिया है। ओके, लर्न दिस चैप्टर फॉर यूर सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन नंबर टू, चैप्टर नंबर थ्री, दिस इज ऑल्सो योर प्रिपरेटरी असाइनमेंट, लर्न दिस चैप्टर फॉर योर यूनिट टेस्ट। सो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग, कॉलेंट्रिया जेलीफिश एंड हाइड्रा, एम्फीबियन में क्या होगा, फ्रॉग ऑन टॉड, एक्नोडर्म में स्टारफिश, सी कुकुम्बर, एमएस में पीजन, कीवी, ये सब एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मैमल्स में क्या आ जाएगा, मैन एंड डॉग, अर्थोपोडा, क्रैब, लॉबस्टर, सो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट आर टेंटेकल्स इन कॉलेंट्रेट, कॉलेंट्रेट में टेंटेकल्स क्या आते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है इस तरीके के, उसको हम बोलते हैं टेंटेकल्स कॉलेंट्रेट में। विच ग्रुप ऑफ एनिमल है सुडोपोडिया, सुडोपोडिया कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं, प्रोटोजोआ, सुडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट होते हैं, अपने अगर प्रे को पकड़ने के लिए फॉल्स फीट बनाते हैं। नेम द फाइलम डेट हैव स्टार शेप्ड अपीयरेंस, ऐसा फाइलम जिसमें स्टार शेप्ड अपीयरेंस होता है, एक्नोडर्मेट्स। व्हाट इज एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन क्या होता है, टफ स्केलेटन प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ इनवर्टिब्रेट के आउटर साइड में टफ स्केलेटन होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। गिव नेम ऑफ टू एनिमल्स विच आर फाउंड एज पैरासाइट इनसाइड द ह्यूमन इंटेस्टाइन, ऐसे टू एनिमल्स का जो हम ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, ऐसे कौन से पैरासाइट्स हैं, टैपवर्म एंड एस्केरिस, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, ये छोटे छोटे जो बैक्टीरिया हैं। व्हाट इज नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया क्या होता है, द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन इन एनिलिडा, एनिलिडा जो हैं, एनिलिडा उनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है एक्सक्रीशन के, उसको हम बोलते हैं नेफ्रिडिया, ये क्लास है एनिलिडा। नेम द क्लासेज डेट कम अंडर द
फाइलम ऑर्थोपोडा के अंदर जो क्लासेस आते हैं उनको हमको बताने हैं, क्रिस्टिकिया, माइरोपेडिया, इंसेक्टा और आर्थनीडा, ठीक है। ये ऑर्थोपोडा क्लास फोर क्लास में डिवाइड है। नेम वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द ऑफ एन एनिमल विच शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फिक्स्ड एनिमल विथ अ पोर बियरिंग बॉडी, स्पॉन्ज। फिक्स एनिमल जिनमें पोर बियरिंग बॉडी होती है, स्पॉन्ज। जो स्टार शेप बॉडी, स्टार फिश। ऐसे कौन से एनिमल है जो वाटर और लैंड दोनों में रहते हैं, फ्रॉग। हैज अ फ्लैट एंड रिबन लाइक, रिबन लाइक बॉडी होती है, टैपॉन। ठीक है, ये एक एक एग्जाम्पल्स, शॉर्ट आंसर्स। राइट थ्री इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलेंट्रेटा के, थ्री इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये ऑकर मोस्टली मराइन इन्वायरमेंट में होते हैं, उनकी बॉडी सॉफ्ट और ट्रांसलुकेंट होती है, हॉलो ट्यूब लाइक बॉडी होती है। कॉलेंट्रेटा क्यों, कॉलेंट्रेटा को निडेरियंस बोलते हैं। कॉलेंट्रेटा कॉल निडेरियंस बिकॉज देयर माउथ इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ, क्योंकि उनके माउथ में ना नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं टेंटेकल्स। ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं स्टिंगिंग सेल एंड हेल्प देम इन एंकरिंग डिफेंस एंड अरेस्टिंग प्रे। जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ना, ये इनको प्रे को अरेस्ट करने के लिए और अपने आप को डिफेंस करने के लिए हेल्प करते हैं। दिस स्टिंगिंग सेल्स आर कॉल्ड, ये स्टिंगिंग सेल्स को हम सेंडोब्लास्ट भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैमल्स की, मैमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनके ऊपर हेयर और स्किन होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू अ पेयर ऑफ लंग्स, पेयर ऑफ लंग्स के साथ ये ब्रीथ करते हैं। ये वेवोपोरियस एनिमल्स होते हैं क्योंकि ये यंग वंस को बर्थ करते हैं, एग नहीं देते हैं, ये यंग वंस को बर्थ करते हैं। दे आर दी ओनली एनिमल्स दैट प्रोड्यूस मिल्क टू नरिश, ये सिर्फ यही मैमल्स ही ऐसे एनिमल्स हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं अपने बेबीज को नरिश करने के लिए, जैसे एग्जाम्पल मैन, कंगारू, बियर, एलिफेंट। डिफरेंस बिटवीन इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स, एनिमल्स विच डू नॉट हैव अ बैकबोन, एनिमल्स विच हैव अ बैकबोन। ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं होते उनको इनवर्टिब्रेट, जिनकी बैकबोन होती है वर्टिब्रेट। ये 9 फाइलम में डिवाइड है, ये 5 क्लासेस में डिवाइड है। एग्जाम्पल ऑक्टोपस, स्टारफिश, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, लिजर्ड। फ्लैट वर्म और राउंड वर्म क्या होता है, कॉमनली ये वाटर में फाउंड होता है ह्यूमिड टेरेस्ट्रियल एरियाज में, ये स्पेशली मराइन और फ्रेश वाटर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फाउंड होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है फ्लैट, थिन और बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है। इनकी जो बॉडी होती है सॉफ्ट, अनसेगमेंटेड, बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है। दे हैव ओनली वन ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सिर्फ वन ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, इनकी टू ओपनिंग होती है। पॉडिफेरन एंड कॉलेंट्रेट क्या होते हैं, ये इनमें एग्जाम डिफरेंस। एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम जनरली नोन एज स्पॉन्ज, जो एनिमल्स इस फाइलम में रहते हैं वो जनरली स्पॉन्ज होते हैं। मेंबर्स आर कॉमनली नोन एज निडेरियंस, कॉमनली फाउंड इन, ये मराइन इकोसिस्टम में फाउंड होते हैं, ये मराइन एनवायरमेंट में फाउंड होते हैं, बट कुछ कुछ जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में भी फाउंड होते हैं, ये सिर्फ मराइन एनवायरमेंट में फाउंड होते हैं। दिस एनिमल्स डू नॉट शो लोकोमोशन, शो नहीं होते हैं। मेंबर आइदर फ्लोट फ्रीली इन वाटर, गेट स्टिक सम रॉकी सर्फेस, या तो कुछ मेंबर्स जो होते हैं ईजिली फ्लोट होते हैं वाटर में, फ्रीली फ्लोट होते हैं, या तो कोई कोई रॉक सर्फेस के ऊपर स्टिक हो जाते हैं कुछ कुछ रॉकी एरिया में। एग्जाम्पल स्पॉन्जिलस आइकन, एग्जाम्पल हाइड्रा जेलीफिश। ओके स्टूडेंट्स, लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स फॉर योर सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन चैप्टर नंबर 2 and 3 एंड चैप्टर नंबर 4 फॉर योर oral test. Thank you and have a nice day. Oral test के लिए chapter number 4 आप learn करना. Thank you and have a nice day.